एक इंक्लाइनेशन एंगल है, दूसरा ट्रफिंग एंगल है, तीसरा सरचार्ज एंगल, फोर्थ में एंगल ऑफ रिपोज और फिफ्थ में एंगल ऑफ रेव। ये पांच एंगल ऑफ रेव बोलो या एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना, वो सेम ही होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। इंक्लाइनेशन एंगल क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ये मान लो बेल्ट कन्वेयर है, ठीक है ना, ये जो हॉरिजेंटल से जितना एंगल पे इंक्लाइन है बेल्ट कन्वेयर, बस वही होता है इंक्लाइनेशन एंगल। और इंक्लाइनेशन एंगल एंगल से हम लोग यहाँ कुछ नहीं समझना है, सिंपल जैसे होता है ना, ये जो एंगल बन रहा है थीटा अल्फा जो भी है, ये क्या हो गया, मान लो बेल्ट कन्वेयर इस पे चल रहा है, बेल्ट कन्वेयर जो है इधर चल रहा है, तो कितना एंगल पे इंक्लाइन है हॉरिजेंटल से, तो उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन या इंक्लाइनेशन एंगल, ठीक है। यहाँ पे यही दिखाया गया, ये मान लो बेल्ट कन्वेयर है, तो ये हॉरिजेंटल से ये जो एंगल बन रहा है ना थीटा एंगल, ये क्या हो गया, इंक्लाइनेशन एंगल। सेकेंड में होता है ट्रफिंग एंगल। क्या होता है, हम ट्रफिंग एंगल के लिए बताए हुए थे कि ट्रफ हाइडलर होता है ना, जो ट्रफ से प्रोवाइड करता है बेल्ट कन्वेयर को, ट्रफ हाइडलर। ट्रफ हाइडलर कैसा होता था, ये मिडिल हाइडलर हो गया, एक हाइडलर इधर और एक हाइडलर इधर, ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से फ्लैट बेल्ट नहीं, ट्रफ का शेप प्रोवाइड कर रहा है। देखो इस तरीके से बेल्ट का शेप कैसा हो जा रहा है, हल्का कर्व हो जा रहा है ना, ये ट्रफ, ये किसके थ्रू हल्का सा कर्व शेप आ रहा है, ये आ रहा है, ये जो हाइडलर है ना, ट्रफ हाइडलर है, जिसके कारण से बेल्ट को ट्रफ शेप मिल रहा है। नहीं तो बेल्ट कैसा रहता है, अगर फ्लैट आइडलर यूज करते हैं तो बेल्ट पूरा फ्लैट होता, पूरा फ्लैट हो जाता बेल्ट, तो फ्लैट बेल्ट में मटेरियल का स्पिलेज होने का चांस ज्यादा होता है, कम मटेरियल आएगा उस केस में, और मतलब स्टोरेज कम हो जाएगा बेल्ट पे, ट्रांसपोर्टेशन एक तरीके से कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा और स्पिलेज होने का चांस ज्यादा होगा, क्योंकि बेल्ट पूरा मान लो फ्लैट हो जाएगा तो मटेरियल है इधर गिरेगा इधर गिरेगा, ऐसा हो सकता है ट्रफिंग में। तो ट्रफिंग एंगल यही होता है, क्या होता है, ये जो मिडिल वाला जो आइडलर है ना, इसके जो सेंटर से एक लाइन क्रॉस किया जा रहा है, ठीक है ना, क्रॉस कर रहा है, और ये जो आइडलर है इसके सेंटर से जो लाइन जा रहा है, और ये जो आपस में एक एंगल बन रहा है अल्फा एंगल, ये होता है ट्रफिंग एंगल। यहाँ जो लिखा हुआ है ट्रफिंग एंगल, इधर भी उसी तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है ये क्या हो गया, ट्रफिंग एंगल हो गया। ट्रफिंग एंगल का पर्पस क्या होता है कि लोडेड बेल्ट्स फॉर्म ए ट्रफ विच बोथ, मतलब क्या करता है, विच रिड्यूसेज द रिस्क ऑफ मेटेरियल स्पिलेज, कि मटेरियल का जो स्पिलेज होने का जो रिस्क होता है उसको तो कम करता ही है, साथ में वो इंक्रीज कर देता है अल्टीमेट लोड बियरिंग एबिलिटी ऑफ द कन्वेयर। मान लो कोई कि मतलब तुम एक पूरा प्लेन पेपर ले लो, ठीक है ना, इस पे कोई चीज तुम रखो और कोई चीज हल्का सा इसी पेपर को साइड से फोल्ड कर दो, तो क्या होगा, यहाँ पे बिना फोल्ड वाले में स्पिलेज का चांस ज्यादा होता है, लोड उसका बियरिंग कैपेसिटी भी कम रहेगा, मतलब उसमें कम मटेरियल लेगा लोड बियरिंग एबिलिटी। लेकिन अगर ट्रफ उसी को हम साइड से फोल्ड कर देंगे, साइड से उठा देंगे, तो इसमें फिर क्या हो जाएगा, होल्डिंग कैपेसिटी इसका बढ़ जाएगा। तो बस यही ध्यान रखना कि ट्रफिंग का पर्पस क्या होता है, हम लोग का स्पिलेज कम करना और लोड बियरिंग एबिलिटी कन्वेयर का बढ़ा देना, जिसके कारण हम लोग क्या होता है, सेफ्टी भी इंप्रूव होता है। सेफ्टी क्यों इंप्रूव होता है, क्योंकि मटेरियल गिर नहीं रहा, अगर मटेरियल गिरेगा और वहां से अगर कोई मान लो क्रॉस कर रहा है तो उसको चोट वगैरह लगने का चांस हो सकता है, और जब मटेरियल गिरेगा नहीं तो ऑटोमेटिक ही मेरा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा। ये सिंपल आइडलर है, ट्रफ आइडलर। एक होता है सरचार्ज एंगल, और एक हम लोग पढ़ते थे एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है ना। तो सरचार्ज एंगल होता क्या है, क्योंकि आज सरचार्ज एंगल पे हम लोग दो तीन न्यूमेरिकल भी करेंगे, उसका सिर्फ थोड़ा सा कुछ सरचार्ज फैक्टर लिया जाता है। तो सरचार्ज एंगल क्या होता है, जब भी मान लो मटेरियल बेल्ट पे आएगा, ठीक है ना, तो इस शेप में आएगा, देखो यहाँ मटेरियल अभी था ना एक फोटो, ये मान लो बेल्ट में मटेरियल आ रहा है, ठीक है ना, तो
तो ये हल्का सा इस तरीके से कर्व शेप में, ठीक है ना, इस तरीके से शेप में आ रहा है। तो ये जो टेंजेंट इस पे लेंगे इस तरीके से, ठीक है ना, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ सरचार्ज, ठीक है ना। जितना ज्यादा एंगल ऑफ सरचार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, मटेरियल ज्यादा आएगा बेल्ट पे। देखो यहां पे इस पिक्चर में, इसमें मटेरियल ये बेल्ट है, बेल्ट को क्या किए हैं, ट्रफ शेप दिए हैं, किसके द्वारा, ये ट्रफ हाइडलर है, ट्रफ हाइडलर के द्वारा ये ट्रफ शेप प्रोवाइड किए हुए हैं। तो सरचार्ज एंगल केस में क्या होता है कि देखो, बेल्ट का जो पूरा विड्थ था, बेल्ट का पूरा विड्थ क्या है, यहां से लेके यहां तक का ये पूरा बेल्ट का विड्थ होता है। लेकिन जब हम लोग सरचार्ज एंगल का कैलकुलेशन करते हैं ना, तो उस केस में इफेक्टिव बेल्ट विड्थ आता है, इफेक्टिव बेल्ट विड्थ। अब देखो इफेक्टिव बेल्ट विड्थ क्या हो गया, मतलब देखो मटेरियल तो पूरा लास्ट एक्सट्रीम पॉइंट तक तो नहीं पहुंच पा रहा है, एक्सट्रीम छोर तक, ये कहां है, यहीं पे पहुंच पा रहा है ना। मटेरियल क्या हो रहा है, पूरा देखो साइड तक पूरा लोड नहीं है, पूरा भरा हुआ यहां तक नहीं है, यहां तक नहीं पहुंच गया है, थोड़ा सा नीचे ही रह रहा है। तो वो जो इधर भी देखो, यहां तक तो नहीं पहुंच गया, यहीं तक रह रहा है मटेरियल, ठीक है ना, मटेरियल यहीं तक रह रहा है। तो इस जितना विड्थ में मटेरियल रह रहा है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इफेक्टिव बेल्ट का विड्थ बोलेंगे, ठीक है। तो सरचार्ज एंगल क्या हो गया, ये जो हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल बन रहा है ये हो गया एंगल ऑफ सरचार्ज या सरचार्ज एंगल, ठीक है। सरचार्ज एंगल सिंपल ध्यान रखना कि सरचार्ज एंगल जितना ज्यादा होगा, मान लो ये एंगल ज्यादा होगा इस तरीके से, ज्यादा कर्व से बनाएगा, मान लो सरचार्ज एंगल जितना ज्यादा होगा मतलब उतना ज्यादा बेल्ट पे मटेरियल आएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज बताए थे कि मटेरियल पाइल फॉर्म में जमा हो वो गिरे नहीं, जितना हाइट तक इस तरीके से जमा होके जा सकता है, एक लिमिटेड हाइट रहेगा, उस हाइट के बाद क्या होगा, अगर जैसे ये एंगल एंगल ऑफ रिपोज से एक्सीड करेगा तो मटेरियल क्या हो जाएगा, फिर यहां से मटेरियल गिर के अपना सिंपल सा नॉर्मल जो शेप में हो जाएगा वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, या क्रिटिकल एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, द एंगल ऑफ रिपोज ऑफ ए ग्रेनुलर मटेरियल इज द स्टीपेस्ट एंगल, स्टीपेस्ट एंगल, ठीक है ना, और डीप रिलेटिव टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन टू विच ए मटेरियल कैन बी पाइल्ड आउट, पाइल्ड विदाउट स्लम्पिंग, मतलब बिना मटेरियल गिरे हुए जितना जिस एंगल तक वो उसको पाइल के फॉर्म में, हम लोग पाइल के रूप में एक तरीके से बना सकते हैं पाइल शेप में, तो वो हो जाता है एंगल ऑफ रिपोज। और एंगल ऑफ रिपोज ये मटेरियल का प्रॉपर्टीज होता है। अगर हम लोग कहीं मान लो सेंड बालू गिरा है, ठीक है ना, सेंड, तो इसमें क्या होता है, कोहेशन बहुत कम होता है। तो अगर मान लो सेंड का पार्टिकल रहेगा तो कोहेशन एक तरीके से क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन वही अगर भींगा हुआ सेंड रहेगा तो कोहेशन ज्यादा होगा, और मिट्टी जो लेंगे तो मिट्टी का कोहेशन ज्यादा होगा, तो मिट्टी में एंगल ऑफ रिपोज होने, एंगल ऑफ रिपोज ज्यादा होगा, ठीक है ना। हम लोग मिट्टी को इस तरीके से खड़ा कर सकते हैं, लेकिन बालू को जब जमा करने जाएंगे ना इतना ऊंचा हाइट में, तो हो सकता है कि बालू जमा ना हो, वो फैल जाए, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ रिपोज यही होता है। तो एंगल ऑफ रिपोज पर हम लोग ऑलरेडी देखे थे बेल्ट के केस में कैसे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन किए हुए थे ना, ये टेन थीटा, मान लो थीटा दिया हुआ है एंगल ऑफ रिपोज, और हम लोग को बेल्ट विड्थ से निकालना रहेगा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, एच परपेंडिकुलर बाय बेस, बेल्ट विड्थ मान लो डी है यहाँ पे दिया हुआ, तो ये डी बाय टू हो जाएगा यहाँ, तो डी बाय टू, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टू एच बाय डी। तो यहाँ से थीटा भी निकाल सकते हैं, जो भी दिया हुआ रहेगा, मान लो एच दिया हुआ रहेगा, थीटा दिया हुआ रहेगा, एच दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ से हम लोग बेल्ट विड्थ निकाल सकते हैं। और ये सब न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व किए हुए हैं, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है, d इज द डायमीटर, यहाँ ये समझ के चलना कि d है क्या है, बेल्ट का विड्थ ले रहे हैं, ठीक है ना, डायमीटर को निकाल करने। अब एंगल ऑफ रेप क्या होता है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, कि देखो यहाँ पे क्या है कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट, ऑपोजिट कॉन्टेक्ट में है बेल्ट, है ना, यहाँ पे कॉन्टेक्ट में है ये पूरा, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 180 डिग्री, और एक एंगल ऑफ लेप था, ठीक है ना,
ये थीटा निकालते थे हम लोग कैसे, 180 डिग्री माइनस टू अल्फा करके, या 180 डिग्री प्लस टू अल्फा करके। तो एंगल ऑफ लेप अलग था, एंगल ऑफ रेप अलग है, और कॉन्टेक्ट एंगल, ये और कॉन्टेक्ट एंगल दोनों सेम है, ठीक है ना। लेप वाला एंगल, एंगल ऑफ लेप अलग था, कैसे, क्योंकि हम लोग ये जो बेल्ट बनाते थे, मतलब पुल्ली बनाए हैं, अच्छा ये थीटा क्या था, थीटा तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ही था, ये जो अल्फा था ना ये एंगल ऑफ लेप था, ठीक है ना, लेप एंगल। जो था ना एक ऐसा पैरेलली गया हुआ है, ये अल्फा मान लो यहाँ है, ये अल्फा, जैसे छोटा वाला बना रहे हैं, छोटा वाला इधर था, ठीक है ना, ये अल्फा एंगल है, तो यही होता था एंगल ऑफ लेफ्ट, ठीक है ना। और थीटा क्या हो गया, कॉन्टेक्ट एंगल, यही था ना। एक मिनट चेक कर ले रहे हैं। हाँ, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट वही था, या एंगल ऑफ इम्ब्रेस भी बोला जाता है, ये जो अल्फा था ये एंगल ऑफ लेप है एंगल, ठीक है ना। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट या एंगल ऑफ क्या बोलो उसको, रेप, डब्ल्यू आर ए पी, दोनों सेम है, इस चीज का ध्यान रखना, या एंगल ऑफ इम्ब्रेस, ये भी सेम है, टर्म अलग अलग यूज कर रहा है। ये कुछ एंगल था जिसका हम